तो नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ 8 किलोमीटर प्रति जो लंबा सड़क बन रहा है, बताना चाहेंगे चांदपुर से लेके लोहता होते हुए अकेलेवा तक बन रहा है, फोर लेन रोड सड़क बनाया जा रही है। करीब इसकी लागत की बात करें 273 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। और मेरे पीछे देख सकते हैं पेड़ काटा जा रहा है, इधर देख रहे हैं इधर पेड़ काटा जा रहा है। और इस वीडियो को मैं आपको राइड करके दिखाऊंगा गोप्रो से अपने, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो शेयर करिए ताकि जो बनारस में देख लेंगे कि वाराणसी में कितना विकास का चल रहा है। ये देखिए पेड़ काटा जाए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पेड़ काटा जा रहा है लेकिन बुरा रोड के बीच में आ रहा होगा इसलिए पेड़ काटा जा रहा है। तो लोग जो प्याज से हेल्प करना चाहते हैं हेल्प कर सकते हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं वीडियो में सुपर थैंक्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी फुल लेन काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सब्सक्राइबर कमेंट भी आ रहा था मेरे पे कि लोहता का काम स्टार्ट हो चुका है, वीडियो बनाइए। तो वही वीडियो आज मैं बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा राइड करके कहाँ तक काम हुआ है। उनका मकान वगैरह टूटना स्टार्ट हो चुका है यहाँ का, और सामने से देख रहे धूप बहुत काफ़ी तेज़ है। थोड़ा सा हो सकता है कि सामने से प्रकाश मार रहा है सूरज का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो काला है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और गाड़ी यार तेज़ नहीं चलाऊँगा, धीरे चला रहा हूँ सीखिए आप लोग को कि देख सकूँ, आपको दिखा सकूँ यहाँ का जो काम चल रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होगी, करीब बताना चाहेंगे इसकी लागत की बात करें तो करीब 273 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाया जा रहा है। करीब 8 किलोमीटर लंबा ये रोड बन रहा है, और जब ये बन जाएगा रोड चौड़ीकरण हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। जिनका फ्रंट पे आ रहा है उनको तोड़ा भी जा रहा है, इतना फ्रंट पे आ रहा है जिनका मतलब, तो उनका तोड़ा भी जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से तोड़ा जा रहा है। अब वो भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ी टूटा जा रहा है वहाँ से आगे से। तो वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और आप लोग से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग के यहाँ जो भी विकास कार्य चल रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी पड़ेगी। जैसे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि भाई अकेलेवा में काम चल रहा है, ठीक है भाई चलते हैं देखते हैं वीडियो बनाते हैं वहाँ का। तो वही है कि आप लोग भी कोई आपके शहर में कुछ भी विकास कार्य चल रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी सहूलियत मिलेगी वीडियो बनाने में। नहीं रहता हूँ, काफ़ी तेज़ धूप मार रहा है यहाँ से सामने से। अब उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल पर, क्योंकि ऐसी विकास वाली वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ हमेशा। एक मैं दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल का नाम है UP65 AMT Rider, उस चैनल का नाम है। देखो ऐसा चौड़ीकरण हुआ है ना, देख रहे हैं जो फ्रंट पे हैं वो पीछे चले गए हैं थोड़े से, क्योंकि हमको लगता है देखिए खड़ंजाड़ा रास्ता स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा दूर तक ये रास्ता को यही वाला मिलेगा, ये देखिए सामने से टूटा गया है। थोड़ा सा मैं आपको रुक के दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए सामने देख रहे हैं आप, ये टूटा गया इधर से मकान। तो चलिए चलते हैं आगे उस तरफ, दिखाते हैं चल के आपको। ये देखिए ये तोड़ा जा रहा है यहाँ से, फ्रंट फुट तोड़ा गया, जो फ्रंट पे दुकान आ रही सब मकान है ये देखिए तोड़ा गया यहाँ से। अब देख रहे हैं इधर यहाँ से लेके पूरा आगे तक ये फोर लेन बनाया जा रहा है पूरा, ये देख रहा हूँ इधर। अभी देखिए मैं पता किया हूँ आपको, यहाँ पर बता रहा है 40-40 फीट लिया जा रहा है। देखिए ये देखिए फ्रंट सब चौड़ीकरण किया गया है, और वहाँ पर देख रहे हैं वो भी तोड़ा गया इधर इस साइड में भी पूरा। थोड़ा सा रास्ता इधर ख़राब मिलेगा, अपना भी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, ये देखिए सब तोड़ा गया है। ये देखिए इधर साइड में पूरा तोड़ा गया है, इधर से आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं सामने फ्रंट पूरा ये तोड़ा गया इधर से। देखिए इधर भी सब भी तोड़ा गया, इधर इस साइड से दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए साइड से
देख रहे हैं पेड़। पूरा आगे जाने वाला रास्ता है, पूरा ये देख रहे हैं इधर से। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको चल के। ये देखिए इधर फ्रंट, इस साइड भी, ये देखिए इस साइड भी दिखाता हूँ चल के आपको। सब पूरा मकान तोड़ा गया है यहाँ से लेके पूरा आगे तक। इस साइड भी तोड़ा गया है और ये देखिए दोनों तरफ से 40 फीट लिया गया है। जब ये रोड बन जाएगी, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते आप देख रहे हैं ना, इस सबसे काफ़ी निजात मिलेगा और जाम से भी काफ़ी मुक्ति मिलेगी। देखिए आगे भी तोड़ा गया है खंभा, इस साइड में भी। चलते रहो, बहुत ज़्यादा रोक। ये देखिए इधर पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, मकाने तोड़े गए इधर इस साइड से भी पूरे आगे से, क्योंकि पूरा। और इस साइड भी देखिए, इस साइड भी तोड़ा गया है, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप। इधर रुक रुक के दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा अच्छे से दिखाया जाए आपको। ये देखिए फ्रंट फुट तोड़ा गया इधर। देखिए इधर थोड़ा रास्ता सही मिला है जाने के लिए, ये निकल जाएगा पर रिंग रोड की तरफ निकाल देगा सीधे राय तालाब। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो बाहर थे वो भी देख पाएंगे कि वाराणसी में कितने विकास कार्य चल रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो अपलोड किया दूसरे चैनल पे अयोध्या के, अयोध्या में भी विकास कार्य चल रहा है, जैसे कि मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं कि राम जन्मभूमि का विकास कार्य चल रहा है, वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसी के लिए रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि दर्शनार्थी लोग भी आएँ। तो काफ़ी अभी फ्रंट पहला यहाँ पर पड़ा है अभी लोहता थाना, तो मैं बात कर रहा था अयोध्या की, तो उसके वहाँ पे रोड चौड़ीकरण भी किया जा रहा है जो बता रहा हूँ आपको। उस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो दूसरे चैनल पे जाके देखिए, UP 65 EMT राइडर। इधर देखिए मार्केट सब्जी का लगा हुआ है इस साइड में। थोड़ा रास्ता इधर गड़बड़ है, थोड़ा हमें आराम चलना पड़ेगा गाड़ी। इतने भी फ्रंट पे आएंगे सब तोड़ा जाएगा। फोन लेन सड़क हो जाएगी तो काफ़ी आरामदायक हो जाएगा लोगों को, हो जाएगा जहाँ से कम थोड़ा हल्का राहत मिलेगा शहर में। इलेक्ट्रिक बस जा रही है, सामने से काफी तेज धूप आ रही है एकदम। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपका, मोहन सराज से लेके कैंट तक बनना है 6 लेन, कुछ दूर तक 6 लेन बनेगा, कुछ दूर तक बनेगा आपका 4 लेन बनेगा, उसमें भी करीब कई सारे पेड़ काटे जाएंगे। देखिए अभी काम तो स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है, देखिए कब तक स्टार्ट होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लाटसारा से लेकर अमीनपुर तक भी बनना है सड़क, चौड़ीकरण होगा, अब वो सभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ मैं बात करता हूँ इस जो 8 किलोमीटर लंबा बनेगा अकेले लोहता से लेकर अकेलवा तक बनना वाला जो सड़क है, उसमें करीब 273 करोड़ की लागत से बनने वाला, करीब 8 किलोमीटर लंबा 4 लेन सड़क। अभी सिर्फ तोड़ा ही जा रहा, अभी कोई काम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही। इस रोड पे मैं कई बार आ चुका लेकिन पर वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि यार चलो वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, अपडेट दे देता हूँ कहाँ तक काम पहुँचा यहाँ का। देखिए खड़ंजा वाला रोड एक फिर आ गया है, तो इसे जो इंटरलॉकिंग वाले पत्थर के होते हैं, ये रोड काफ़ी गाड़ी पर चलती है। सीधे रिंग रोड पर निकालेगा रास्ता ये,
देखिए इधर का रास्ता ख़राब भी है, इस सबसे काफ़ी निजात मिलेगा जितने रास्ते ख़राब हैं आपके। उधर नहीं तोड़ा गया, अरे इधर नहीं तोड़ा गया, नहीं कितना तोड़ना था बोला तोड़ दिया, अभी और तोड़ा जाएगा लगता है। हाँ जहाँ तक फ्रंट बुक पे है सब मकान जाएगा ही। अब देखिए क्या करते हैं, पेड़ का क्या करते हैं लोग। देखिए इधर रोड एकदम एक नंबर बनाया है, ये देखिए इधर भी तोड़ा गया फ्रंट रोड पे भी, इधर इस साइड में भी। देखिए जितने भी फ्रंट पे आएंगे सबका तोड़ा जाएगा ये। 8 किमी लंबी सड़क बनेगी, 273 रुपया खर्चा किया जाएगा, सोचिए बनारस में विकास कार्य काफ़ी चल रहे हैं, अब से बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, आपका रुपये का भी बचा हुआ है, रुपये देखिए कब तक काम स्टार्ट होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं पेंडिंग में भी हैं। अभी आपका बताना चाहेंगे दिल्ली से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट है, तो ना को दिल्ली वगैरह का काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी आगे बढ़ा नहीं है साथ काम। मैं सोचा इसमें ड्रोन शॉट दिखाऊं लेकिन ड्रोन शॉट इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं ड्रोन शॉट दिखाने का, यहां पे कुछ है नहीं कि रोड ही दिखेगा तो क्या मतलब बनता है, इसलिए मैंने दिखा रहा हूं। ड्रोन लिया हूं मैं लेकिन नहीं उड़ाऊंगा जानबूझ के, चूतिया मनाए तो कोई मतलब नहीं है फालतू को ड्रोन उड़ाने का, यहां पे कोई ऐसा चीज़ दिखाओ कि यहां समझ में आए कि हां मतलब। ये देखिए अकेलवा आ गया है, लोहता के बाद अकेलवा पड़ता है, जा रहा था गंगापुर जाएगा, गंगापुर जाएगा ये। देखिए ये भी तोड़ा, इधर भी तोड़ा गया है कुछ लग रहा है, जाके मिल जाएगा ये, देखिए इधर तोड़ा गया है ये, देखिए इधर इस साइड में समझे ना। हाँ 100 मीटर पे पड़ेगा आपका रिंग रोड। देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ थोड़ा उतरो तो चलिए साइड करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं यहाँ पे ये सब पेड़ तो काटे गए हैं यहाँ से, ये देखिए आगे तक जा रहा है पूरा। चलिए एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से, सामने देखिए जा रहा है वह, देखिए कुछ जा रहा है, गाड़ी आ रही है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेकिन लूँगा जरूर फोटो। दो गाड़ियाँ जा रही उधर, ये देखिए सामने से देखिए पूरा ये पेड़ ये काटा जा रहा है पूरा, ये देखिए इधर से लेके पूरा आगे तक। दुख की बात है पेड़ नहीं काटना चाहिए लेकिन फिर भी कहीं हो सकता है कि इधर आ रहा होगा इसलिए काटा गया हो। ये देखिए इधर दिखाता हूँ आपको चल के, तो सामने रिंग रोड आ गया है, अभी यहाँ से निकलता हूँ हम लोग, पहले हम लोग इसी रास्ते से जाते थे ये बनाने की वीरिंग रोड का वीडियो याद है मुझे, लेकिन तो फाइनली बन चुका है, चलिए चलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं एक नई वीडियो, तो जय हिंद वंदे मातरम हर हर महादेव।